ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक हमारा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आखिर जो हमारा कैलेंडर बनता है उसमें 30 दिन क्यों होते हैं किसी मंथ में, किसी मंथ में 31 दिन होते हैं और फरवरी में 28 या 29 दिन हो जाते हैं। तो इसका क्या ज्योतिषीय पहलू होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा भारतीय ज्योतिष शास्त्र है ये चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। सूर्य की गति पर पश्चिम सभ्यता के लोग अपनी भविष्यवाणियों को बताते हैं, लेकिन जो चंद्रमा से प्रेडिक्शन होता है वो भारतीय संस्कृति में ऐसा बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चंद्रमा को ही भारतीय ज्योतिष में प्रायोरिटी पे क्यों रखा गया है, इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आप ऐसे समझिए कि जो हमारा जो यूनिवर्स है दैट इज इसका जो सॉलिड एंगल है वो 360 डिग्री का है। जैसे आप सपोज कीजिए कि एक स्फीयर है, तो हम लोग एक स्फीयर में रह रहे हैं। यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यूनिवर्स के अंदर अगर ये पूरा 360 डिग्री है और उसके अंदर छोटे छोटे जो प्लैनेट्स हैं और जो भी सैटेलाइट्स वगैरह उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम उनकी बात करते हैं, तो ये पूरा जो हमारा यूनिवर्स होता है वो 360 डिग्री का एक सॉलिड एंगल बनाता हुआ चलता है। तो अगर हम इस 360 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो 12 पार्ट अगर आप यहाँ से काउंट कीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये टोटल 12 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूँ तो ये जो 360 डिग्री का जो एंगल बनेगा अब वो हर हाउस 30 डिग्री के एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर वन। अब इसका जो कन्वर्जन होगा, जो एंगल होगा 30 डिग्री, वो कैसा होगा, कैसे हम एंगल को रीड करते हैं? एंगल को रीड हम ऐसे नहीं करते, यहाँ पर कुछ बन रहा है तो इसको हम एंगल के तरीके से नहीं रीड करते। एंगल हमेशा ऐसे करते हैं कि सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका इक्वली 30 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा। तो ये आपका, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, एक रफली एक आइडिया आपको बता रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि ये 1 डिग्री था, यहाँ पर आते आते ये 10 डिग्री हो गया, 11 डिग्री हो गया, यहाँ पर सपोज कीजिए 25 डिग्री पहुँच गया, 26 डिग्री पहुँच गया, यहाँ पर 28 डिग्री हो गया, ये 29 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का जो यूनिफॉर्म एंगल बनता है ये हर एक हाउस के लिए प्री डिफाइंड है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं सेकेंड हाउस में भी देखूंगा तो भी मैं इसको 30 पार्ट में ऐसे करके डिवाइड करूंगा, थर्ड हाउस में चलूंगा तो भी मैं इसको 30 पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो किसी भी हाउस में जाऊंगा तो हर हाउस जो होगा वो 30 डिग्री का होगा, ये सबसे पहली बात है। तो अगर मैं ऐसे देखता हूँ, सन का मूवमेंट देखता हूँ, अगर हम लोग मूवमेंट अगर सन का देखते हैं तो सन जो होता है जो कि पश्चिम सभ्यता में हम लोग सूर्य की गति के अकॉर्डिंग जनवरी फरवरी मार्च जो इंग्लिश कैलेंडर होता है उसमें हम लोग जनवरी फरवरी जो भी ऐसा लिखते हैं उसका रीज़न क्या होता है, ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। अगर सन की बात करें तो सन एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, अप्रोक्सीमेटली एक दिन में लगभग लगभग 1 डिग्री का जो ड्यूरेशन होता है उसको पार कर लेता है। कभी 1 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी 1 डिग्री से कम हो जाता है। तो एवरेज अगर मैं देखता हूँ तो सूर्य की जो गति होती है एक दिन में 1 डिग्री को क्रॉस करता है। अब जैसे मान लीजिए कि सन किसी तरीके से आपका यहाँ पर पहुँच गया, 1 डिग्री पे था, तो अगर ये आज 1 डिग्री पे था तो आज के बाद मतलब कल ये इसका मोशन यहाँ पे पहुँच जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, फिर ये 3 डिग्री पहुंचेगा और जैसे ही ये 30 डिग्री कंप्लीट करेगा ये अपना ये पूरा एक हाउस कंप्लीट कर लेगा। अब इसका जैसे ही एक हाउस कंप्लीट हो जाएगा ये हम लोग कहेंगे कि इसकी जो मेष
संक्रांति थी वो खत्म हो गई। अब ये 1 नंबर के जगह पे अब ये 2 नंबर वाला आ जाएगा यहाँ पे। फिर सन जो होगा वो धीरे धीरे, जो ये 1 नंबर लिखा हूँ इसको अब 2 नंबर आप कर लीजिए, और फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते ये सेकेंड हाउस को भी पार कर लेगा। तो ऐसा क्या होगा कि एग्जैक्टली 30 डेज में ये एक हाउस को पार कर रहा है। तो अब टोटल देखा जाए तो 30 इंटू जो टोटल हाउस बन रहे हैं वो 12 बन रहे हैं। तो 12 इंटू, अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल गिव 360। तो 360 डिग्री को क्रॉस करने के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली एक दिन में 1 डिग्री नहीं जाता है सूरज, एक दिन में लगभग कभी कभी 1 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। जब अगर हम 24 आवर्स की बात करते हैं तो 24 आवर्स में वो लगभग कभी 1 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी 1 डिग्री से कम हो जाता है। एवरेज वैल्यू जो होती है 1 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसलिए अगर मैं देखता हूँ सन अगर यहाँ पड़ता, फिर ऐसे मूव करता हुआ, अगर ये पूरा का पूरा एक सर्कल काउंट करता है यहाँ पर, फिर ये वापस रिटर्न हो जाता है। तो जब मोशन होगी, पीरियोडिक मोशन होगी, तो ये ऐसे करके मूवमेंट करता हुआ यहाँ पे पहुँचेगा। तो टोटल 360 यानी 365 डेज जो हम लोग लगभग लगभग कहते हैं, 365 दिन एक साल में होते हैं। और एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 365 होल 1/4 का जो डे बनता है पूरा का पूरा, वो एक ईयर में होता है। तो 4 4 दिन अगर बढ़ा दिया जाए तो टोटल एक लीप ईयर बन जाता। तो लीप ईयर में 366 डिग्री डे बन जाते हैं, और विदाउट लीप ईयर के 365 डेज बन जाते हैं। एक एवरेज कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे सन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पूरा हर एक हाउस में एक एक मंथ रहता है। तो अगर किसी का जन्म के समय अगर सन 1 में होगा तो ये ज़रूर उस समय सूर्य यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि मेष राशि में था। फिर इसी तरीके से 2 नंबर पे था तो सूर्य जो होगा वो वृष राशि में होगा। तो आप अपनी कुंडली को ओपन करके सपोज कीजिए आपने चेक किया कि 10 नंबर में आपका सूर्य है, तो आप समझ सकते हैं कि जो 10 नंबर होगा वो मकर राशि होता है। और मकर संक्रांति सभी लोग जानते हैं, ठंडे के मौसम में, मतलब 14 जनवरी अब आने वाला भी है, तो 14 जनवरी के आसपास इसका डे होता है। तो हम लगभग सन के कैलकुलेशन के, सन के पोजीशन से हम देख के बता सकते हैं कि जो जन्म हुआ होगा वो गर्मी में हुआ होगा या बरसात में हुआ होगा। और लगन की डिग्रीज को देख के हम बता सकते हैं लगभग कि ये एक मतलब एग्जैक्टली किस पहर में इसका जन्म हुआ होगा, सुबह हुआ होगा, दोपहर, शाम, लगभग लगभग रात में हुआ होगा, ये भी हम एक अंदाज लगा सकते हैं कैलकुलेशन से। तो सन ने पूरा 360 डिग्री को क्रॉस किया और एक ईयर के अप्रॉक्स लगा दिया। ये पश्चिम सभ्यता बताती है, इसीलिए जनवरी फरवरी करके हम लोग ऐसे लगते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, जो हमारा भारतीय ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। तो जो मून का जो मूवमेंट होता है वो मून एक राशि, जो ये पूरी की पूरी आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में लगभग अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 2.25 डेज लगा देता है। अप्रॉक्सीमेटली बात हो रही है, मैं एग्जैक्टली कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, और आपको एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ, हो सकता है आपका भी कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को हो, ये दूर हो जाए। अगर आप ये सोचते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पर ये सन है और मून ऐसे एग्जैक्टली मूवमेंट करता है तो ये इक्वल रेडियस नहीं होता है। अगर सन यहाँ पर है और मून की पोजीशन यहाँ पर है तो ऐसा नहीं कि ये एग्जैक्टली आर रेडियस के सर्कल में ये घूमे, स्फीयर में ये घूमेगा, ऐसा नहीं होता है। इसका जो मूवमेंट होता है आप ऐसे समझिएगा कि अगर मैं इस रेड वाले को सन मान लेता हूँ और इस ब्लैक वाले को थोड़ी देर के लिए मून मान लेता हूँ, तो जो इसका मूवमेंट होता है वो ऐसे होता है, ये धीरे धीरे पीछे जाता है। इसका डिस्टेंस जो होता है धीरे धीरे, जैसे मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, ये सन है और ये मून है, तो मून धीरे धीरे ये ऐसे पीछे होता जाता है। जब ये दूर होता जाता है तो ये ब्लैक हो जाता है, इसकी ल्यूमिनेसिटी कम होती है और ये डार्क हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कृष्ण पक्ष शुरू हो गया। और जब ये मैक्सिमा डिस्टेंस पे आ जाता है तो उस समय हम लोग कहते हैं कि आज अमावस्या का दिन है। फिर ये चलता भी रहता है और ऐसे पीछे भी ऐसे जाता है। उसके बाद जैसे जैसे ये मैक्सिमा पर पहुंच गया, अब ये धीरे धीरे आपके पास
पास आएगा, ये घूमेगा भी और ये पास भी आएगा। जैसे जैसे ये पास आएगा, सपोज कीजिए अब ये मिनिमम डिस्टेंस पर आ गया, सन अर्थ से एक मिनिमम डिस्टेंस पर आ गया, मैं सन नहीं कह रहा हूँ इसको, अर्थ आप मानिए, तो अर्थ से ये मिनिमम डिस्टेंस पर आ गया। तो जब ये अर्थ से मिनिमम डिस्टेंस पर आएगा तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि ये जो सूरज की जो रोशनी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ मून पर पड़ेगी, और जब ज़्यादा से ज़्यादा मून पर रोशनी पड़ेगी तो इसकी ल्यूमिनेसिटी जो होगी वो 100% तक बढ़ जाएगी, और हम लोग कहेंगे कि जो चंद्रमा है वो पूरा इस समय ग्लो कर रहा है। पूर्णिमा का दिन हम लोग जनरली कहते हैं इसको। तो चंद्रमा का जो मूवमेंट होता है वो ऐसे नहीं होता है, इस तरीके से अगर हम अर्थ के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है ऐसे देख रहे हैं तो यूनिफॉर्म में नहीं होता है। इसका जो मोशन होगा ऐसे पीछे जाएगा फिर आगे, तो एक वेव फंक्शन ये बनाता हुआ जाता है, और ये वेव फंक्शन बनाता है, और इस कारण जो होता है जो दिन होते हैं उनमें उनको तिथियों में डिवाइड किया गया है। आपको पता है कि 15 बार 15 तिथि शुक्ल पक्ष में बनाई गई है और 15 तिथि कृष्ण पक्ष के लिए बनाई गई है। तो कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि एक ही दिन में है आपका दो दो तिथि पड़ जाती है। जनरली आपको एहसास तब होता है जब आप फास्टिंग में रहते हैं, जैसे नवरात्रि में अगर आप फास्ट हैं तो आपको पता चलता है यार आज जो है ना सप्तमी और अष्टमी दोनों साथ में पड़ गया। तो ये जो साथ में पड़ने वाली चीज़ है वो हर मंथ में होती है, ऐसा नहीं है कि अब हमें फीलिंग उस समय आती है, फील हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम उस समय फास्ट रहते हैं, तो थोड़ा एक एक तिथि के को हम एक ध्यान से समझते हैं कि प्रथम प्रथम तिथि है या द्वितीय है या तृतीय है, तो उस समय हमें ये पता चलता है, सुनने में ऐसा लगता है कि आज पंचमी षष्ठमी एक साथ हो गया। तो ये मून का है, तो मून का जो मोशन होता है मैं बता रहा था, मून लगभग यहाँ से यहाँ तक यानी एक राशि को क्रॉस करने में लगभग 2.25 डेज लगता है, जबकि सन को अप्रॉक्सीमेटली एक मंथ यानी 30-31 डेज का टाइम लग जाता है, लेकिन मून को यहाँ से यहाँ तक क्रॉस होने में केवल 2.25 डेज का अप्रॉक्सीमेटली टाइम होता है। तो जब हम इसको 2.25 डेज को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली 27-28 डेज जो भी आता है, तो 27-28 दिन ये होता है। लेकिन ये फिर मैं बता रहा हूँ कि ये डेज जो होती हैं ये अप्रॉक्सीमेटली है, क्योंकि मून जो पीरियोडिसिटी होती है वो रेगुलर पीरियोडिसिटी नहीं होती है, क्योंकि मून पीछे की ओर जाएगा फिर आगे की ओर जाएगा फिर पीछे फिर आगे, तो इस तरीके से इसकी जो रेगुलर इंटरवल जो होता है वो 2.25 नहीं होता है। इसलिए हम ये देखते हैं कि 2.25 दिन में मून यहाँ पर था, फिर 2.25 दिन में यहाँ पहुँच गया, तो धीरे धीरे अगर देखा जाए तो 30 डेज में लगभग 30-31 डेज के अंदर मून का जो मूवमेंट होता है वो पूरा एक सर्कल क्रॉस कर लेता है, जबकि सन को यही क्रॉस करने में 365 डेज के अप्रॉक्स लग जाता है। तो मून से जो कैलकुलेशन होता है वो सही कैलकुलेट किया जा सकता है, ना कि चंद्र की आधार से, क्योंकि चंद्र सॉरी आप मून के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन करेंगे वो आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मून जो है पूरा 1 मंथ में ये पूरे राशियों को घूमता हुआ पहुंच जाता है, लेकिन जो सन से जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो एक राशि में एक मंथ तक रहता है, तो पूरा 12 मंथ हमें वेट करना पड़ेगा तब जाकर हमें ये पता चलेगा कि कैसा इफेक्ट ये कर रहा है। तो जनरली अगर हम लोग देखा जाए ये जो पक्ष कभी कभी कम या ज़्यादा हो जाते हैं, उस कारण से जो फरवरी का जो मंथ पड़ता है उसमें एग्जैक्टली 28-29 दिन का एक मोशन हो जाता है, जिस कारण से जो डेज होते हैं वो 28 या 29 डेज फरवरी में होते हैं। अगर आप YouTube पे सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारी रोमन की कहानी भी आपको पता चलेगी कि पहले 10 मंथ का ही केवल होता था ईयर, फिर 2 मंथ को धीरे धीरे रिड्यूस किया गया। हो सकता है ये बात सही हो, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा लॉजिक ये है कि जो ये मूवमेंट हमारा होता है ये मून के मूवमेंट से होता है, और मून का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही तेजी से होता है, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन कहा जाता है। चंद्रमा की जो मूवमेंट होती है उस कारण से आप डेली प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, या आपका मंथली प्रोडक्शन भी, जो साप्ताहिक राशिफल आप लोग चेक करते हैं या आप मासिक राशिफल चेक करते हैं, ये मून के प्रोडक्शन पर बेस्ड होता है, क्योंकि मून जो होता है वो पूरा एक मंथ में पूरा ये चक्कर काट के वापस
360 डिग्री का एंगल बना लेता है, जबकि वही सन के हिसाब से जो होता है वो पूरा 1 ईयर लग जाता है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो शनि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो कि 2.5 साल लगभग, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 साल इसी एक राशि में रह जाता है, और 2.5 साल इसीलिए ढैया कहा जाता है, फिर 5 साल हो जाता है, फिर जब ये बाहर निकलता है तो 7.5 साथी, क्योंकि 7.5 साथी का मतलब 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो 2.5 साढ़े 7.5 का भी जो कॉन्सेप्ट है ये भी एक साइंटिफिक है। तो सन मून को पूरा मूव करने के लिए 2.5 में आप 12 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग जो भी आ रहा होगा 30 ईयर्स लग जाते हैं, तो 30 ईयर्स सैटर्न के हिसाब से 30 ईयर्स लग जाते हैं। तो सैटर्न सबसे धीमे चलता है, और जो प्लेनेट धीमे चलेगा उसका इफेक्ट लंबे टाइम तक रहेगा। सपोज कीजिए एक प्लेनेट यहीं पर 2.5 साल रुक गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस एरिया में उसकी जो किरणें पड़ेंगी, उस एरिया में जो उसकी एनर्जी होगी वो ज़्यादा टाइम तक होगा, तो उस कारण से उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, चाहे वो इफेक्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव इफेक्ट हो, लेकिन नेट इफेक्ट जो होगा वो आपको ज़्यादा दिखाई देता है। इसीलिए लोग शनि भगवान से लोग ज़्यादा डरते हैं, और शनि देव जो है सबसे धीमे चलने वाले प्लैनेट में माने जाते हैं, जबकि चंद्रमा को मन कहा जाता है, और चंद्रमा आपका मन है, तो मन से आप कैलकुलेशन जो होता है, जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र है वो चंद्रमा के अकॉर्डिंग वर्क करता है, और इस कारण मंथ जो होते हैं कभी कभी 30 दिन के हो जाते हैं, कभी 31 दिन के होते हैं, कभी 28, कभी 29 दिन के होते हैं, ये सभी चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये प्लैनेट्स होते हैं इनमें आखिर मित्रता हो क्यों जाती है, हम ये क्यों कहते हैं कि शनि और राहु मित्र हैं, शनि चंद्रमा जो है एक दूसरे के दुश्मन है, सूर्य और शनि में क्यों दुश्मनी चलती है, इसका मैं आपको एक प्रामाणिकता दूंगा मेरे खुद के रिसर्च में जो मैंने किया हुआ है, उसमें आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है, तो उसको मैं बताऊंगा, ये किसी बुक में प्रिंटेड आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का